लेसन नंबर थ्री रंगाज मैरिज फ्रॉम द बुक स्नैप क्लास इलेवेंथ सी बी एस ई बोर्ड वेन यू सी दिस टाइटल जब आप ये टाइटल देखते हो सम ऑफ यू मे आस्क आप में से कोई पूछ सकता है रंगाज मैरिज वाई नॉट रंग नाथा विवाह और रंग नाथा विजया वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा तो आप पूछ सकते हो कि रंगास मैरिज ही क्यों रंगनाथा विवाह क्यों नहीं रंगनाथा विजया क्यों नहीं मैं जानता हूं कि मैं और भी अट्रैक्टिव नाम रख सकता था जैसे कि जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा मैं नाम रख सकता था बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज़ वेडिंग लेकिन ये जगन्नाथ और गिरिजा की शादी के बारे में नहीं है इट इज़ अबाउट अवर ओन रंगाज़ मैरिज ये अपने अपने रंगा की शादी के बारे में है एंड हैंस नो फैंसी टाइटल और इसलिए मैंने कोई फैंसी टाइटल नहीं लिया होशा इज आ विलेज होशा हमारा गांव है यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा नो no, नहीं सुना वट आर पीटी कितनी दया की बात है बट इट इज नॉट योर फॉल्ट लेकिन ये आपकी गलती नहीं है देयर इज नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जोग्रफ़ी बुक किसी जोग्राफी की बुक में इसका नाम ही मैंशन नहीं है दो साहिब्स इन इंग्लैंड इंग्लैंड में जो साहब लोग थे राइटिंग इन इंग्लिश जो इंग्लिश में लिखा करते थे प्रोबेबली डोंट नो देट सच आ प्लेस एग्जिस्ट शायद उन्हें पता नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह है एंड सो मेक नो मैंशन ऑफ इट इसलिए उन्होंने इसका कोई वर्णन नहीं किया ओन पीपल टू फोगेट अबाउट इट हमारे खुद के लोग भी इसके बारे में लिखना भूल गए यू नो हाउ इट इज आप तो जानते हो कैसा है दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप वो तो बिल्कुल भीड़ के झुंड जैसे हैं वन शीप वॉक्स इन टू अप इट एक भीड़ गड्ढे में जाता है द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट बाकी भेड़ ब्लाइंडली उसके पीछे जाते हैं वैन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जोग्राफर्स हैव नॉट रेफर टू इट जब दोनों लोगों ने इंग्लैंड के साहब लोगों ने और हमारे जोग्रा जोग्राफी वाले लोगों ने इसका वर्णन नहीं किया है यू कांट एक्सपेक्ट द दुअर कार्टोग्राफर तो आप कार्टो बेचारे कार्टोग्राफर से उम्मीद नहीं कर सकते मैप बनाने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते टू रिमेंबर टू पोर्ट्रेट ऑन द मैप कि उसे याद रहेगा इस गांव का नाम जोड़ पाना मैप के अंदर नक्शे के अंदर कैन यू क्या आप कार्टोग्राफर से उम्मीद कर पाओगे एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ अ विलेज ऑन एनी मैप और यही कारण है कि हमारे गांव का कोई नामो तक नहीं है किसी भी नक्शे में सॉरी आई स्टार्टड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन एनअदर डायरेक्शन सॉरी मैंने शुरू कहीं और से किया था और फिर मैं किसी और डायरेक्शन में चला गया इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारत वर्षा वर्ट द स्वीट करीगा दाबू इज़ टू अ फेस्टिव मील यदि मैसूर भारत के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे करीगा दाबू मिठाई है फेस्टिव मिठाई है त्यौहार की मिठाई है देन होसा हली इज़ टू मैसूर स्टेट वट द फीलिंग इज़ टू करीगा दाबू तो होसा हल्ली मैसूर स्टेट के लिए करीगा दाबू मिठाई की फिलिंग के जैसा है मतलब बहुत महत्वपूर्ण है वॉट आई हैव सैड इज एब्सोल्यूटली ट्रू जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है बिलीव मी मेरा भरोसा करिए हमारा गांव बहुत महत्वपूर्ण है आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग इट मैं विरोध नहीं करूंगा यदि आप इस पे प्रश्न उठाएंगे बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन लेकिन मैं अपने विचार पर अड़ा रहूँगा आई हैम नॉट द ओनली वन हुई स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा हली मैं अकेला नहीं हूँ जो होसा हली के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस हमारे गाँव में एक डॉक्टर साहब भी हैं हिज नेम इज़ गुंडा बट्टा उनका नाम गुंडा बट्टा है ही अग्रीज विद मी वो मुझसे सहमत हैं पूरी तरह सहमत हैं ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेज वो काफ़ी जगह घूमे हुए हैं नो नॉट इंग्लैंड नहीं नहीं इंग्लैंड नहीं गए हैं इफ़ एनी वन आस्क हेम वेदर ही हैज़ बीन देयर यदि उनसे कोई पूछता भी है कि क्या वो वहाँ गए हैं ही सेज वो कहते हैं नो ए नो अने नहीं आई हैव लेफ्ट देट टू यू वहाँ जाना मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है रनिंग अराउंड लाइक अ फिली पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी तो आ, खुजली वाले कुत्ते की तरह इधर उधर घूमना मेरा काम नहीं है आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम मैंने अपने टाइम में कुछ जगह देखी हैं दो हालांकि ऐसा बोलते हैं वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेकिन सच बात यह है ही सीन मै कि उन्होंने कई सारी जगह देखी हैं बहुत घूमे हैं वो वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं कम विजिटर्स आइए हमारे यहाँ घूमने आइए एंड आई विल गिव यू आर रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम वहाँ से मैं आपको एक अच्छा आम दूंगा डोंट ईट इट इसे खाइएगा मत जस्ट टेक अ बाइट बस इसका एक बाइट लीजिए द सावरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर इंडिया तो इसका जो खट्टापन है वो बिल्कुल आपके नस नस को हिला देगा आई वंस टुक वंस सच फ्रोट होम ऐसे एक फल को मैं एक बार अपने घर ले गया था एंड आ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट और इसकी चटनी बनाई गई थी ऑल ऑफ अस एट एट हम सब ने ऐसे खाया द कफ वी सफर्ड फ्राम और फिर हमको हो गई खांसी आफ्टर दैट उसके बाद इट वॉज़ वैन आई वेंट फॉर द कफ मेडिशन फिर मैं खांसी की दवाई के लिए गया दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट और तब डॉक्टर ने इस फल की स्पेशल क्वालिटी के बारे में मेरे को बताया जस्ट इज द मैंगो इज स्पेशल जिस प्रकार यहाँ का आम स्पेशल है सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अ विलेज तो हमारे गांव के चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ जो है वो स्पेशल है वी हैव अपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ट हमारे यहाँ पर एक पौधा भी है जो उगा हुआ है हमारे गांव के तालाब में इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बेहोल्ड इसके फूल देखने में बड़े अच्छे लगते हैं गेट टू लिप्स फ्रॉम द क्रीपर और इस पौधे से आप दो पत्ते ले जाइए वैन यू गो टू दौंड फॉर योर बात और जब आप पौंड में जाएँ तालाब में जाएँ नहाने के लिए तब आप दो पत्ते ले आइए एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लिप्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील तो आपको चिंता नहीं रहेगी कि आपके पास पत्ते नहीं हैं दोपहर का भोजन सर्व करने के लिए तो इतने बड़े पत्ते होते हैं कि उस पर भोजन किया जाता है यू विल से आई एम रैम्बलिंग आप कहोगे कि मैं तो पर्यटन घूमने की बातें कर रहा हूँ इधर उधर की बातें कर रहा हूँ इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट ऐसा ही होता है हमेशा वेन द सब्जेक्ट ऑफ अ विलेज कम्स अप जब हमारे गाँव की बात आती है तो ऐसा ही होता है बट इनफ लेकिन चलो बहुत हो गया इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिटअर्स यदि आप में से कोई हमारे यहाँ घूमना आना चाहे घूमना चाहे ड्रॉप मी ऑन लाइन तो मेरे को बता देना आई विल लेट यू नो वेयर होशा हली इज़ एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हेयर तो मैं आपको बता दूंगा होसहली कहाँ पर है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विज़िट इट तो सबसे बढ़िया तरीका तो किसी प्लेस को जानने का यही है कि वहाँ की विजिट कर लीजिए डोंट यू एग्री क्या इस बात से सहमत नहीं है आप वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन टेन ईयर्स एगो जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटित हुआ था दस साल पहले वी डिडेंट हैव मैनी पीपुल हु न्यू इंग्लिश उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते हों आ विज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करिच टू सेंड हि सन टू बैंगलौर टू स्टडी हमारे यहाँ गाँव का जो अकाउंटेंट था वो पहला व्यक्ति था जिसने हिम्मत दिखाई थी और अपने बेटे को भेजा था बैंगलौर पढ़ने के लिए इट इज डि डिफरेंट नाउ अभी तो काफ़ी कुछ अलग है देर आर मैनी हु न्यू इंग्लिश अब तो कई लोग इंग्लिश जानते हैं ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम एक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश और छुट्टियों के दौरान आप उनमें से कई को पा सकते हो गली में हर एक गली में इंग्लिश में बात करते हुए दोज डेज वी डिडेंट स्पीक इन इंग्लिश उन दिनों हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा और कन्नड़ भाषा में बात करते हुए भी इंग्लिश के वर्ड बीच बीच में यूज़ नहीं करते थे वट हैज़ हैपेंड इट्स डिसग्रेसफुल बिलीव मी तो मैंने जो देखा वो बताना बड़ा शर्मनाक है द अदर डे एक दिन की बात है आई वॉज इन रामा राओज हाउस मैं रामा राव के घर में था वैन दे अ बंडल ऑफ फायरवुड जब उन्होंने जलाने वाली लकड़ी का एक बंडल ख़रीदा रामा रव सन के अमाउट टू पे फॉर इट रामा राव का जो लड़का था वो इसके पैसे देने आया ही आज द वूमन उसने महिला से पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू मैं आपको कितने पैसे दूँ फॉर फोर पाइस शी सैड वो बोली फोर पाइस दे दो पाइस होता है एक चौथाई आना पहले चलते थे ना आना एक आना दो आना पाँच आना तो एक आना का चौथाई भाग फोर पाइस द बॉय टोल्ड हर ही डिडेंट हैव एनी चेंज वो लड़का उससे बोला कि उसके पास चेंज नहीं है एंड आज हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग और उससे बोला कि वो अगली सुबह आ जाए द पुअर वुमन डिडेंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज लेकिन वो बेचारी महिला इंग्लिश वर्ड चेंज समझ नहीं पाई एंड वेंट अवे मर्टरिंग टू हर सेल्फ और अपने में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई आई टू डिडेंट नो तो मैं क्या बताऊँ इतनी शर्म की बात है कि मुझे भी पता नहीं था लेटर वैन आई वैन टू रंग हाउस बाद में जब मैं रंगा के घर गया एंड आज डिमॉर उससे पूछा आई एंडस्टूड वॉट इट मीन तो मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज ये जो कीमती वस्तु है ना इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज और डिकेड एगो ये हमारे गांव में दस साल पहले एक दशक पहले उतनी फैली हुई नहीं थी दैट वॉज वाई रंगाज होमकमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट यही कारण है कि रंगा का घर आना एक बड़ी घटना थी पीपुल रस्ड टू हिज डोर स्टेप और लोग भागे उसके दरवाजे की तरफ अनाउंसिंग बोलते हुए द अकाउंटेंट सन हैज कम द अकाउंटेंट सन हैज कम अकाउंटेंट का लड़का आ गया है द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलौर फॉर हिज स्टडीज़ इज हियर वो लड़का जो बेंगलौर पढ़ने गया था अभी वो आ गया है इट्स सीम्स ऐसा लगता है एंड कम रंगा इज हेयर लेट्स गो एंड हैव अ लुक आओ आओ रंगा आ गया है चलो चलो उसे देखने चलें चलो चलो उसे देखने चलें अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन एस्टूडिंदा कोर्टयार्ड एंड आज भीड़ से अट्रैक्ट होकर मैं भी वहाँ चला गया और आंगन में खड़ा हो गया एंड आज और पूछने लगा वाई हैव ऑल दीज पीपल कम ये सारे लोग क्यों आए हैं देस नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर यहाँ तो कोई मंकी भी अपना खेल नहीं दिखा रहा है कोई बंदर भी यहाँ खेल नहीं दिखा रहा है अ बॉय आ फेलो विदाउट एनी ब्रेंस सैड तो एक लड़का जो सा था सैड वो बोला लाउड इनफ फॉर एवरी वन टू हेयर और इतना तेज बोला कि हर कोई सुन ले व्हाट आर यू डूइंग हीयर देन तब आप यहाँ क्या कर रहे हो अंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स तो वो लड़का जो है बिल्कुल मेच्योर नहीं था और मैनर्स भी नहीं थे थिंकिंग ये सोचकर देट ऑल दीज थिंग्स वर नाव ऑफ द पास्ट कि अब ये सारी चीज़ें तो पास्ट की बातें हो गई हैं मैनस मैनस तो होते नहीं आज कल लड़कों में आई कैप्ट क्वाइट मैं शांत रहा सींग सो मैनी पीपुल देयर वहाँ इतने सारे लोगों को देख कर रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन इच फेस रंगा अपने चेहरे पर मुस्काहट लिए बाहर आया हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्नड इन टू वॉट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ़ कलकत्ता यदि हम सब लोग अंदर चले गए होते तो वो जगह बिल्कुल ऐसे हो जाती जैसे लोग बोलते हैं ना कलकत्ता के ब्लैक होल को वहाँ के जेल जैसी स्थिति हो जाती थैंक गॉड इट डिटेंट थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन सिक्स मंथस है गो ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आ विलेज हर कोई ये सरप्राइज़ था कि रंगा बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वो छः महीने पहले था जब उसने पहली बार हमारे गांव को छोड़ा था एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम एक बूढ़ी महिला जो उसके बगल में खड़ी थी रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट उसने अपना हाथ घुमाया उसकी छाती पर लुक डिन टू हिज आइज़ उसकी आंखों में देखा एंड सैडो बोली द जनेवरा इज स्टिल दियर जनेव अभी भी उसके शरीर पर है ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट उसने अभी अपनी कास्ट नहीं खोई है शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट उसके बाद वो चली गई रंगा लाफ्ट और रंगा हंसने लगा वंस दे रियलाइज एक बार जब उन्हें एहसास हो गया लोगों को एहसास हो गया दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स लेग्स आइज एंड नोज कि भाई रंगा के तो वही पैर हैं वही आँखें हैं वही नाक है द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ सुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ तो जो भीड़ थी वो बिल्कुल पिघल के बिखर गई बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चे के मुंह में शक्कर का ढेर पिघल जाता है आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर मैं वहाँ खड़ा रहा आफ्टर एवरी वन हैड गॉन जब हर कोई चला गया आई आस्ट मैंने पूछा हाउ आर यू रंगप्पा रंगा रंगप्पा तुम कैसे हो इज़ एवरीथिंग वेल विद यू क्या सब कुछ ठीक है इट इज़ ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी तभी रंगा ने मेरे को नोटिस किया ही केम नियर मी वो मेरे पास आया एंड डिडा नमस्कारा रिस्पेक्टफुली और उसने बड़ा ही रिस्पेक्टफुल नमस्कार किया सेंग और बोला आई एम ऑल राइट विद योर ब्लैसिंग्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपका आशीर्वाद है आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर मैं अवश्य ही रंगा के चरित्र के पहलू की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा

उसने आजकल के किसी लड़के की तरह नमस्ते नहीं किया था भाई आजकल के लड़के कैसे नमस्ते करते हैं विद हिज हैड अप towards the द सन उनका जो सिर होता है वो बिल्कुल ऊपर की तरह होता है स्टैंडिंग स्टिफ लाइक a पोल विदाउट जॉइंट्स और बिल्कुल एक खम्भे की तरह खड़े रहते हैं जैसे कोई जॉइंट्स ही ना हो इनके अंदर जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज either अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक और अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे जगड़ के रखते हैं जैसे कोई छड़ी हो नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स तो ना केवल रंगा ने अपने हाथ जोड़े ही बैंट लो टू टच माई फीट बल्कि मेरे पैर छूने के लिए वो झुका भी मे यू गेट मैरिड सोन आई सैड ब्लैसिंग हिम उसे आशीर्वाद देते हुए मैंने बोला तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट और कुछ अच्छी बातें करने के बाद फिर मैं वहाँ से चला गया देट आफ्टरनून वेन आई वॉज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ और इन हिज हैंड वो दोपहर जब मैं आराम कर रहा था रंगा मेरे घर आया उसके हाथ में एक दो संतरे थे आ जनरस कंसिडरेट फैलो एक बहुत सज्जन और बहुत बढ़िया लड़का इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी बहुत बढ़िया रहेगा कि उसकी शादी हो जाए सेटल डाउन वो सेटल हो जाए एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी और फिर समाज की सेवा करे आई थाट ये विचार मेरे दिमाग में आया फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड देट थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बात करते रहे देन आई केम टू द पॉइंट और फिर मैं मुद्दे की बात पर आया रंगप्पा When डू यू प्लान टू गेट मैरिड रंगप्पा तुम शादी करने का प्लान कब कर रहे हो आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाओ ही साइड वो बोला अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ वाई नॉट अरे भाई क्यों नहीं कर रहे हो आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल मुझे सही लड़की ढूँढना है आई नो एन ऑफिसर मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ हु गॉट मैरिड ओनली सिक्स months अगो जिन्होंने सिर्फ छः महीने पहले ही शादी की है ही इज़ अबाउट थर्टी एंड इज़ वाइफ इज़ ट्वेंटी फाइव वो लगभग तीस साल के हैं और उनकी जो वाइफ हैं वो पच्चीस साल की हैं आई एम टोल्ड मैंने सुना है दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू इच अदर वो बड़े प्यार से एक दूसरे से बात कर पाएंगे लेट से आई मैरीड अ वेरी यंग गर्ल मान लीजिए मैं एक बहुत छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लूँ शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर तो मैं अगर उससे गुस्से में भी कुछ कहूँगा तो वो उसे लाड़ प्यार में ले लेगी रिसेंटली हाल में ही आ ट्रूप इन बेंगलौर स्टेज द प्ले शकुंतला हाल में ही एक ट्रूप जो है बेंगलौर में उसने नाटक प्ले किया था शकुंतला शकुंतला नाटक देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शंकुंतला इफ शिवर यंग तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि दुष्यंत को शकुंतला से प्यार हो जाता यदि वो बहुत छोटी उम्र की होती तो लाइक द डे ब्राइड्स जैसे आजकल की दुल्हन होती हैं लड़कियाँ होती हैं छोटी उम्र में ही शादी होती है उनकी इस देर तो क्या होता प्यार दुष्यंत और शकुंतला में वाट वुड हैव हैपेंड टू कालीदास प्ले और फिर कालिदास के नाटक का क्या होता इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर यदि एक व्यक्ति शादी करे तो एक ऐसी लड़की से करे जो मैच्योर हो समझदार हो अदरवाइज वरना तो वन शुड रिमेन अ बैचलर एक व्यक्ति को कुआरा ही रहना चाहिए दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ इफ देआर एनी अदर रीजन मैंने पूछा क्या, क्या कोई और कारण है अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स एक आदमी को एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करे वॉट वी हैव नाव आर अरेंज मैरिजेस हमारे यहाँ जो प्रचलन है वो है अरेंज्ड मैरिजेस का हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर एक व्यक्ति एक ऐसी लड़की को कैसे पसंद करे कि उसके एक गाल पर दूध के निशान हो और दूसरे गाल पर आंसू हो और सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू तो बाइट हर फिंगर्स और इतनी छोटी हो उम्र में कि उसे ठीक ढंग से अपनी उंगलियां भी चबाना ना आए वन आ नीम फ्रूट द अदर आ बिटर गाउड हाँ हाँ एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा एग्जैक्टली exactly, रंगा साइड लाफिंग रंगा ने हंसते हुए कहा बिल्कुल ठीक आई वॉज डिस्ट्रेस that द बॉय हु आई thought वुड मेक अ गुड husband, had डिसाइडेड टू रिमेन अ bachelor. मैं दुखी था कि वो लड़का जो मैं सोच रहा था कि एक अच्छा हस्बैंड बनेगा उसने तो फैसला कर रखा था कुआरे रहने का आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर थोड़ी देर और बातें करने के बाद रंगा लेफ्ट रंगा चला गया आई अप माई माइंड राइट दैन और तभी मैंने फैसला कर लिया है दैट आई वुड गेट हिम मैरीड कि मैं उसकी शादी करा के ही रहूँगा रमा रावज नीस अ प्रीटिकल ऑफ एलेवेन रमा राव की जो भतीजी थी एक प्यारी सी लड़की थी ग्यारह साल की हैड कम टू स्टे विद हिम उनके साथ रहने आई थी शी वॉज फ्रॉम आ बिग टाउन वो एक वो बड़े कस्बे से थी सो सी न्यू हाउ टू क्ले द वीणा एंड द हारमोनियम इसलिए उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता था शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड उसके दोनों माता पिता मर चुके थे एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम और उसके अंकल उसे अपने घर ले आए थे रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर रंगा उसके लिए बिल्कुल ठीक लड़का था एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम और वह उसके लिए सबसे उपयुक्त दुल्हन थी सिंस आई वॉज अ फ्रीकुंट विजिटर टू रामा रावज प्लेस चूंकि मैं रामा राव के घर पर अक्सर जाता रहता था द गर्ल वॉज़ क्वाइट फ्री विद मी तो वो लड़की मेरे साथ काफ़ी ओपन थी आई कंप्लीटली फोर टू मैंशन हर नेम अरे मैं उसका नाम बताना तो बिल्कुल भूल ही गया रत्ना इट वॉज़ उसका नाम रत्ना था द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस अगली सुबह मैं उनके घर गया एंड टोल्ड रामा राओज वाइफ और मैंने रामा राव की वाइफ से बोला आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू मैं तुम्हें कुछ मठा भेज दूंगा आस्क रत्ना टू फैच इट रत्ना से कहना कि वो लेकर जाए रत्ना के रत्ना आई इट वॉज अ फ्राइडे शुक्रवार का दिन था सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रांड सॉरी वो बड़ी खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए थी आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम मैंने उसे मेरे कमरे में बैठने के लिए बोला एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग और उससे रिक्वेस्ट किया कि वो एक गाना सुना दे आई सेंड फॉर रंगा और तब तक मैंने रंगा को भी बुला लिया वाइल सी वो सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति और जब वो गाना गा रही थी कृष्णा मूर्ति गाना इन फ्रंट ऑफ माई आईज मेरी आँखों के सामने रंगा रीच द डोर तभी रंगा दरवाजे पर पहुँचा ही स्टॉप्ड एट द थ्रेस होल्ड वो चौखट पर ही रुक गया ही डिडेंट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप वो नहीं चाहता था कि गाना बंद हो बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर लेकिन वो गाने वाले को भी देखने के लिए उत्सुक था केयरफुली ही पीप्ड इन सावधानीपूर्वक उसने अंदर झांका द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड तो जो रोशनी कमरे में आ रही थी वो ब्लॉक हो गई रत्ना अप और तभी रत्ना ने फिर ऊपर देखा एंड सींग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड और एक अजनबी को वहाँ देखकर, वो एकदम से रुक गई उसने गाना बंद कर दिया सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो सपोज आप एक बहुत बढ़िया आम खरीदते हो यू ईट इट स्लोली आप इसे धीरे धीरे खाते हो सैवरिंग इट्स पील इसके छिलके का भी स्वाद लेकर खाते हो बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश उसके जूसी भाग को खाने से पहले छिलके का भी पूरा मज़ा लेते हो यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट आप इसका कोई भी पार्ट वेस्ट करना नहीं चाहते बिफोर यू टेक अनदर बाइट इससे पहले कि आप एक और बाइट ले पाएं, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड वो फल आपके हाथ से स्लिप होकर गिर जाता है एंड फॉल्स टू द ग्राउंड और ज़मीन पर गिर जाता है हाउ डू यू फील तो आपको कैसा फील होता है कितना बुरा फील होता है रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट तो रंगा का जो चेहरा था वो भी बिल्कुल वही निराशा दिखा रहा था वैन द सिंगिंग स्टॉप्ड जब गाना बंद हुआ तो रंगा भी काफ़ी निराश हो गया उदास हो गया यू सेंड फॉर मी ही आज एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर आपने मुझे बुलाया था उसने पूछा और वो अंदर आया और एक कुर्सी पर बैठ गया रत्ना स्टोड एट अ डिस्टेंस रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी हर हेड लोअर्ड उसका सिर झुका हुआ था रंगा रिपीटिडली ग्लांस्ड एट हर रंगा बार बार उसकी तरफ देख रहा था वंस अवर आइज़ मैट एक बार तो हमारी आंखें मिल गईं, एंड ही लुकड वेरी एम्बेरिस्ड और वो काफ़ी एम्बेरस हुआ नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल काफ़ी देर तक हम तीनों में से कोई नहीं बोला It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. ये मेरे आने से ही हुआ कि मैं अंदर आया और गाना बंद हो गया मुझे जाना चाहिए Words merely words। भाई शब्द तो शब्द ही होते हैं बातें तो बातें ही हैं The fellow said he would leave, but didn't make a move. वो व्यक्ति बोला तो कि मुझे जाना चाहिए लेकिन वो हिला नहीं हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयोग और वैसे भी कौन उम्मीद कर सकता है कि एक आदमी के शब्द उसके कामों को मैच करेंगे वो भी इस कलयुग में जो वो कहेगा वो करेगा ऐसा होगा कैसे कह सकते हैं वो भी इस कलयुग में रत्ना रैन इनसाइड रत्ना अंदर भाग के चली गई ओवरकम बाय शयनेस शर्मा करके वो वहाँ से चली गई आफ्टर अवाइल रंगा आज हु इज़ दैट गर्ल स्वामी थोड़ी देर बाद रंगा ने पूछा स्वामी वो लड़की कौन है हु इज़ दैट इन साइड द लॉइन वॉन्टेड टू नो शेर जानना चाहता था कि अंदर कौन है द ही गॉट तो जो बकरा था यानी कि मैं हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल जिसने मंदिर में शरण ले रखी थी रिप्लाइड मैंने उत्तर दिया डज़ इट मैटर हु आई एम क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ आई एम अ पुअर एनिमल मैं तो एक बेचारा जानवर हूँ हु हैज़ ऑलरेडी ईट इन नाइन लॉयस जो पहले ही नौ शेरों को खा चुका है मतलब कई लोगों की शादी करा चुका है आई हैव वोट टू ईट वन मोर मैंने कसम खाई है कि मैं एक और खाऊंगा। टेल मी मुझे बताओ आर यू मेल और फीमेल क्या तुम तो मेल हो या फीमेल हो द लॉइंट फ्लैट द प्लेस इन फेयर इट सीम इट सीम्स तो ऐसा लगता है कि जैसे वो शेर भाग गया वहां से लाइक द ही गॉट आई सैड बकरे की तरह मैंने बोला वॉट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़ हम दोनों में से किसी को भी क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है आई एम ऑलरेडी मैरिड मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड और तुम तुम्हारा इरादा तो शादी करने का है नहीं वेरी होपफुली ही आस्ट बड़ी उम्मीद से उसने पूछा सी इज़ नॉट मैरिड देन तब उसकी शादी नहीं हुई है क्या हिज वॉइस डिडन्ट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज़ देयर उसकी जो आवाज़ थी वो उसके एक्साइटमेंट को धोखा नहीं दे पाई लेकिन मैं जानता था कि एक्साइटमेंट तो था शी वॉज मैरीड अ ईयर है गो अरे उसकी शादी तो एक साल पहले हो गई है हेज फेस श्रिविल्ड डाइका रोस्टेड ब्रिंजल उसका चेहरा तो ये सुनकर ऐसे सुकुड़ गया जैसे कि भुना हुआ बैंगन हो आफ्टर वाइल थोड़ी देर बाद रंगा लेफ्ट रंगा चला गया सेंग और बोलने लगा आई मस्ट गो मुझे जाना है आई हैव वर्क एट होम मुझे घर पे काम है और ऐसे कह के वो चला गया आई वेंट टू और शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह मैं अपने शास्त्री के पास गया पंडित जी के पास गया एंड टोल्ड हिम और उनको बोला कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स हर चीज़ तैयार रखिए ग्रहण नक्षत्र पढ़ने के लिए आई विल कम लेटर मैं बाद में आऊँगा आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से मैंने उनको सब कुछ सिखा दिया जो भी मैं उनको सिखाना चाहता था आई फाउंड नो चेंज इन रंगा वैन आई मैट हिम जब मैं उससे मिला तो मुझे रंगा में कोई चेंज नज़र नहीं आया दैट आफ्टरनून वो दोपहर को जब मिला कोई चेंज नहीं था व्हाट्स द मैटर क्या हुआ यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट तुम विचारों में खोए हुए नजर आ रहे हो आई साइड मैंने बोला नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी वो बोला नहीं नहीं कुछ भी गलत नहीं है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं हैड एक कम लेट्स गो टू डॉक्टर सिया डॉक्टर मैंने कहा कि सिरदर्द हो रहा है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं आई हैव नो हैड एक मुझे कोई सिरदर्द नहीं हो रहा है वो बोला आई एम माई यूजल सेल्फ मैं तो बस ऐसा ही हूँ ठीक हूँ मैं आई वेंट थ्रू द सेम थिंग वैन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन मेरा भी यही हाल हुआ करता था जब मेरे लिए शादी के लिए लड़की ढूंढने का काम चल रहा था प्रोसेस चल रहा था तो मेरा भी यही हाल था

चलो पता लगाते हैं कि तुम्हारे जो गुरु और शनि हैं ग्रह नक्षत्र हैं वो तुम्हारे लिए फेवरेबल हैं या नहीं हैं रंगा मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट बिना कोई विरोध किए रंगा मेरे साथ चल दिया ऐसु ने शास्त्री स्वामी जैसे ही शास्त्री ने मेरे को देखा ही एक्सक्लेम वो बोला वॉट आर सरप्राइज श्यामा श्यामा क्या सरप्राइज है हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने तो तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा है श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल श्यामा कोई और नहीं बल्कि आपका सेवक है आप लोगों का सेवक है नरेटर है इस कहानी का मैं खुद श्यामा मेरा नाम है आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड मैं गुस्सा हो गया पंडित की बातों पर और चिल्लाया वॉट क्या कह रहे हो ओनली दिस मॉर्निंग अरे आज सुबह ही तो आया था शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस फिर शास्त्री ने मुझे रोक के मेरा सेंटेंस कम्प्लीट किया यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क अच्छा तुमने अपने सारे काम फ़िनिश किए एंड आई आर नाउ फ्री टू विजिट मी और अब तुम फ्री हुए मुझसे मिलने के लिए हैड ही नॉट डन सो यदि उसने ऐसा नहीं किया होता आई वुड है माई अ प्लान बाय बस्टिंग लाइक ग्रेन्स तो हमारा प्लान बिल्कुल ऐसे ही फेल हो जाता है जैसे गेहूँ फैल जाते हैं देट आर कैप्ट इन द सन टू ड्राई जो धूप में रखे जाते हैं सुखाने के लिए वो जैसे अगर फैल जाएं तो वैसा हमारा प्लान भी फैल सकता था आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सैड आफ्टर वर्ड्स बाद में मैंने जो कुछ कहा वो काफ़ी सोच समझ के कहा और मैंने फिर कोई गड़बड़ नहीं की शास्त्री टर्न टू रंगा शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा वैन डिड द यंग सन ऑफ अवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम अरे हमारे अकाउंटेंट्स क्लर्क का लड़का कब अपने घर लौट कर आया वॉट कैन आई डू फॉर हिम मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस बहुत कभी कभार तो वो हमारे पास आता है टेकआउट योर पैराफेरलिया अपने पत्रे निकालो अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समिंग ऑन हिज माइंड हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है कैन यू टेल अस वॉट्स वरिंग हेम क्या तुम बता सकते हो कि क्या चीज़ उसको चिंतित कर रही है शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट क्या तुम्हारे ज्योतिष विज्ञान की हम परीक्षा ले सकते हैं सही सही बताओ क्या दिक्कत है देय वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था पंडित से तो मेरी आवाज़ में अथॉरिटी थी ही टोक आउट टू सीट्स ऑफ पेपर उसने पेपर की दो शीट निकाली सम कौड़ीज़ कुछ कौड़ी निकाली एंड अ बुक ऑफ पामीरा पामीरा लीव्स और पामीरा पत्तियों का एक किताब निकाली सेंग और बोलने लगा आर्ट्स इज़ एन एंशेंट साइंस अया हमारा जो विज्ञान है वो बड़ा पुराना विज्ञान है ज्योतिष का देअर्स ए स्टोरी टू इट तो इसकी तो पूरी कहानी है बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाओ लेकिन अभी वो मैं कहानी मस्त नहीं सुनाऊँगा आपको दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउज़ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी तो ये कोई हरी कथा नहीं है कि मैं कहानी के अंदर आपको कहानी सुनाता जाऊँ यू मे गेट बोर्ड अभी मैं ज्योतिष के बारे में बताऊँगा तो आप बोर हो जाओगे आई विल टेल इट टू यू समर टाइम इसके बारे में मैं आपको किसी और समय बताऊँगा शास्त्री मूवड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स शास्त्री जब उंगलियों पर कुछ गिन रहा था तो अपने लिप्स को काफ़ी तेजी से हिला रहा था एंड देन आज और फिर उसने पूछा वाट्स योर स्टार तुम्हारी कुंडली क्या है रंगा डिडेंट नो रंगा को पता नहीं था नेवर माइंड कोई बात नहीं शास्त्री इंडिकेटेड विद शेक ऑफ हिज हैड सिर हिलाते हुए शास्त्री ने इंडिकेट किया कोई बात नहीं ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर से इंग इन अ सीरियस टोन सीरियस टोन में ये कहने से पहले उसने कुछ कैलकुलेशन किया और फिर बोला इट्स अबाउट अ गर्ल अरे ये सारी बात जो है वो एक लड़की के बारे में है चक्कर लड़की का है तुम्हारे सितारे दिखा रहे हैं कि लड़की का मामला है आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल्ड इस पूरे समय में मैं अपने हंसी को कंट्रोल कर रहा था बट नाउ आई बस्ट बस्ट आउट लाफिंग लेकिन अभी मैं बहुत तेज़ था ठहाके ला कर हंसने लगा आई टर्न टू रंगा मैं रंगा की तरफ मुड़ा एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड देखो वही बात निकली ना जो मैंने कही थी तुमसे हु इज़ द गर्ल लड़की कौन है इट वॉज़ योर हम्बल सर्वेंट हु आज द क्वेश्चन आपका सेवक श्यामा जानना चाहता है लड़की कौन है शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाई रिप्लाई करने से पहले शास्त्री ने थोड़ी देर सोचा शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन उसका नाम कुछ ऐसा है जो समुद्र में पाया जाता है कमला मे बी कमला हो सकता है उसका नाम कुड इट बी पैची मॉस शैवाल से रिलेटेड कुछ हो सकता है मेड बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला मॉस हो सकता है या कमला नहीं है तो मॉस हो सकता है वाई नॉट पर्ल और रत्ना तो मोती या फिर रत्ना क्यों नहीं हो सकता द प्रेस स्टोन जो रत्ना होता है ना कीमती स्टोन रत्ना द गर्ल इन रामा राउज हाउस इज़ रत्ना अरे रामा राव जो अपना रामा राव है उसके घर में जो लड़की है उसका नाम रत्ना है टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट आप मेरे को बताओ कि अगर हम बात चलाएं उनके घर पर तो कुछ नेगोशिएशन हो सकता है कुछ बात बन सकती है डेफिनेटली ही सैड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम कुछ समय सोचकर पंडित बोला हाँ निश्चित तौर पर दे वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस रंगा के चेहरे पर आश्चर्य था एंड सम हैप्पीनेस कुछ खुशी भी थी आई नोटिस डिट मैंने ये नोटिस किया बट दैट गर्ल इज़ मैरीड आई सैड लेकिन मैंने बोला वो लड़की तो शादीशुदा है देन आई टर्नड टू हेम फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा हिज फेस हैड फालिन उसका जो चेहरा है वो मुरझा गया था झुक गया था आई डोंट नो ऑल दैट मुझे ये सब नहीं पता देर मे बी सम अदर गर्ल कोई दूसरी लड़की भी हो सकती है हुई इज सुइटेबल जो भी सुइटेबल है आई ओनली टोल्ड यू वॉट अवर शास्त्रा इंडिकेटेड मैंने तो तुम्हें सिर्फ वही बताया जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं शास्त्री सेट शास्त्री ने बोला पंडित ने बोला वी लेफ्ट द प्लेस फिर वो हम उसके जगह से निकल गए ऑन द वे और रास्ते में वी पास्ड बाय रामा रावज हाउस हम रामा राव के घर से निकले रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी आई वेंट इन अ ल लोन मैं अकेला अंदर चला गया एंड केम आउट आ मिनट लेटर और एक मिनट लेटर निकला एक मिनट बाद में मैं निकला सरप्राइजिंग दिस गर्ल इज़ नॉट मैरीड अरे बड़े आश्चर्य की बात है ये लड़की शादीशुदा नहीं है भाई इट सीम्स ऐसा लगता है समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज किसी ने मुझसे बोला था एक दिन कि वो शादी शुदा है वॉट शास्त्री टोल्डर्स हैज़ टर्नड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल आखिरकार जो शास्त्री ने हमसे बोला है वो सच हो रहा है सही निकल रहा है बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफर लेकिन रंगप्पा एक बात बताओ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो स्वेयर ऑफ द नेम ऑफ माधवाचार्या माधवाचार्य की कसम खा के बताओ एंड टेल मी मेरे को बोलो इज इट ट्रू वॉट शास्त्री सेट क्या ये सच बात है शास्त्री ने जो बोला लड़की का मामला है वो भी रत्ना आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स have हैव बीन डायरेक्ट मुझे नहीं पता कि कोई डायरेक्ट इसके बारे में बात कर सकता है नहीं कर सकता है रंगा एडमिटेड लेकिन रंगा ने स्वीकार किया दियर्स ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन जितना हम सोचते हैं शास्त्रों में उससे भी ज़्यादा सच्ची बातें होती हैं वॉट ही सैड इज एब्सोल्यूटली ट्रू जो पंडित ने बताया वो बिल्कुल सही है शास्त्री वॉज एट द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग उस शाम को जब मैं वहाँ गया तब शास्त्री जो था पंडित जो था वो कुएं के पास था आई सैड में उससे बोला so, सो शास्त्री गेल अरे शास्त्री महाराज यू रिपीटेड एवरी थिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेशन तुमने तो सारी चीज़ें वही रिपीट की जो मैंने तुम्हें सिखाई थी वो भी बिना किसी को शक होने दे दिए वाह तुम कमाल कर दिया अ अल शास्त्रा योर्सेज क्या शानदार शास्त्र है तुम्हारा ही डिडन्ट लाइक इट एट ऑल लेकिन मेरी बात ये उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वॉट आर यू सेंग शास्त्री बोला क्या कह रहे हो तुम वाट यू सेट टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र जो तुमने कहा था मुझसे अरे भाई मैंने वही बोला जो मैंने शास्त्रों में पाया डोंट फोगेट ये मत भूलो आई डेवलप्ड ऑन द हिंडस यू हैड गिवन मी कि मैंने वो सारी बातें हिंट से ली थी जो तुमने मेरे को बताई थी टेल मी इज़ दैट इज दिस वाट अ डिसेंट मैन सेज अब आप लोग मुझे बताइए शास्त्री ऐसी बातें कर रहा था तो ऐसी बातें एक आ, डिसेंट आदमी करता है क्या चलिए अब हम प्रेजेंट समय में चलते हैं रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर रंगप्पा मुझे इनवाइट करने आया एक दिन डिनर के लिए व्हाट्स द ओकेज़न आई आस्ट मैंने पूछा क्या ओकेजन है भाई इट्स श्यामाज बर्थडे श्यामा का जन्मदिन है ही इज थ्री वह तीन साल का हो गया है इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा अरे ये अच्छा नाम नहीं है श्यामा आई सेड मैंने बोला मेरे नाम पर नाम रख दिया है तुमने आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक मैं तो बिल्कुल ऑयल केक की तरह काला आदमी हूँ वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम तो अपने गोरे चिट्टे बच्चे को तुमने इस तरह का नाम क्यों दे दिया है वॉट आ चाइल्डिस कपल यू आर रत्ना एंड यू किस तरह के चाइल्डिस कपल हो तुम लोग रत्ना और तुम आई आई नो मुझे पता है आई नो इट्स द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर सम वन यू लाइक ये अंग्रेज़ों का रिवाज है अपने बच्चे का नाम रखना किसी ऐसे के नाम पर जिसे आप पसंद करते हो योर वाइफ इज़ एट मंथ्स प्रेगनेंट नाउ तुम्हारी वाइफ अभी आठ महीने प्रेग्नेंट है हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक अभी तुम्हारी माँ की मदद कौन कर रहा है खाना बनाने में माई सिस्टर हैज़ कम विद हर मेरी बहन आ गई है आई वेंट देयर फॉर डिनर मैं डिनर के लिए गया श्यामा रस्ट टू मी श्यामा मेरे पास भाग कर आया वो बच्चा वैन आई वॉकडेन जब मैं अंदर आया एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेक्स और फिर उसने मेरे पैर छुए आई किस डेम ऑन हिज चीक मैंने उसके गाल पर किस किया एंड प्लेसड रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर और उसकी छोटी सी uh, उंगली पर मैंने एक अंगूठी पहना दी अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर तो पाठक को अभी मेरे को इजाज़त दीजिए आई एम ऑलवेज़ हेयर मैं हमेशा यहाँ हूँ रेडी टू सर्व यू आपकी सेवा में और उम्मीद है आपने इन्जॉय किया होगा यू वर नॉट बोर्ड आप बोर नहीं हुए हुए इतनी अच्छी कहानी मैंने सुनाई आपको यू वर नॉट बोर्ड आई होप मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे